नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। भारत बनाम पाकिस्तान, जिस मैच का पूरी दुनिया को इंतजार था वो मैच हुआ भी। हालांकि बारिश मैच में ज्यादा खलल डालने में सफल नहीं हो सकी, हाँ लेकिन भारतीय टीम ने पाकिस्तानी टीम की जीत के सपने में जरूर खलल डाल दिया और एक बार फिर पाकिस्तान पर भारत की टीम विजयी हुई। अब तक के हुए वर्ल्ड कप मुकाबलों में ये भारत की पाकिस्तान पर सातवीं और शानदार जीत रही। इस दौरान भारतीय खिलाड़ियों ने ओल्ड ट्रैफर्ड ग्राउंड पर कुछ खास रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। आइए जानते हैं कि भारतीय टीम ने ऐसे कौन से खास रिकॉर्ड्स अपने नाम किए जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। टॉस जीतने वाली टीम ने चुनी गेंदबाजी। भारत पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप मैच में ऐसा पहली बार हुआ है कि टॉस जीतने वाली टीम ने गेंदबाजी चुनी हो। शायद पाकिस्तान की भारत के खिलाफ पहले टीम के प्लेयर्स को आउट कर भारतीय टीम पर प्रेशर बनाने की रणनीति होगी। तभी तो पाकिस्तान टीम ने टॉस जीतने के बाद भी पहले बॉलिंग चुनी। वजह, मैनचेस्टर का मौसम भी हो सकता है। बारिश की वजह से गेंदबाजों के लिए मददगार साबित होने वाली पिच के लिए पाकिस्तानी टीम के कप्तान सरफराज अहमद ने अपने लिए गेंदबाजी चुनी। हालांकि टॉस हारने के बाद जब विराट कोहली से सवाल किया गया तो उन्होंने भी टॉस जीतने पर गेंदबाजी ही चुनने की बात कही थी। लगातार दो शतकीय साझेदारी। वर्ल्ड कप में ऐसा पहली बार हुआ है जब लगातार दो मैचों में भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ी ने शतकीय साझेदारी की। पहले 9 जून को हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में शिखर धवन और रोहित शर्मा की साझेदारी ने सभी को हैरान कर दिया था। दोनों ने मिलकर 127 रन जोड़े थे। फिर पाकिस्तान के साथ हुए मैच में चोटिल होने की वजह से शिखर धवन तो नहीं, उनकी जगह केएल राहुल के साथ भी रोहित शर्मा ने बेहतरीन साझेदारी की। दोनों ने पहले विकेट के लिए 136 रन जोड़े और इसी के साथ ही ये वर्ल्ड कप की अब तक की पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ी साझेदारी बन गई। पाकिस्तान के खिलाफ सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड। भारतीय टीम के ओपनिंग बैट्समैन और कप्तान विराट कोहली की गैर हाजिरी में टीम का नेतृत्व करने वाले रोहित शर्मा ने भी इस मैच में एक रिकॉर्ड अपने नाम किया। वो रिकॉर्ड है पाकिस्तान के खिलाफ सबसे ज्यादा रन जोड़ने का रिकॉर्ड। रोहित शर्मा ने 113 गेंदों पर 140 रन बनाकर विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया, क्योंकि विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ सबसे ज्यादा 107 रन बनाए हैं और इसी के साथ ही विराट कोहली के बाद रोहित वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ शतक जड़ने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। इसके अलावा आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 में रोहित का ये दूसरा शतक रहा। उन्होंने 5 जून को साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी शानदार शतक जड़ा था। विजय शंकर का नया रिकॉर्ड। आईसीसी वर्ल्ड कप में विजय शंकर का पहला मैच और अपने डेब्यू मैच में ही विजय शंकर ने एक रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर लिया। विजय शंकर ने पहली बॉल पर ही अपने वर्ल्ड कप करियर का पहला रिकॉर्ड बनाते हुए इमाम उल हक को अपना पहला शिकार बनाते हुए उन्हें LBW आउट कर दिया। ऐसा करने वाले विजय पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। हसन अली का खास रिकॉर्ड। भारत बनाम पाकिस्तान के मैच में वैसे तो पाकिस्तान टीम के सभी गेंदबाजों की जमकर पिटाई हुई, लेकिन इस पिटाई में भी पाकिस्तानी गेंदबाज हसन अली एक रिकॉर्ड बनाने में कामयाब हो गए। हसन ने 9 ओवर में 84 रन दिए और मात्र एक विकेट लिया। इसी के साथ ही वर्ल्ड कप में खराब गेंदबाजी का रिकॉर्ड बनाने वालों में हसन अली अव्वल रहे। सबसे तेज 11,000 रन का रिकॉर्ड। पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए मैच में विराट कोहली अपने नाम एक नया रिकॉर्ड बनाने में कामयाब हो गए और 65 गोलों में 77 रन की पारी खेलने के साथ ही कोहली ने अपने वनडे के 11,000 रन भी पूरे कर लिए। सिर्फ 222 पारियों में इतने रन बनाकर वो सबसे तेज 11,000 रन बनाने वाले क्रिकेटर बन गए हैं। कोहली से पहले सचिन तेंदुलकर ने 276 पारियों में अपने 11,000 रन पूरे किए थे। बाबर फखर की साझेदारी। भारत बनाम पाकिस्तान के मैच में जो एक बात पाकिस्तान के फेवर में गई वो थी बाबर आजम और फखर जमा के बीच की पार्टनरशिप। दोनों ने मिलकर दूसरे विकेट के लिए 104 रन जोड़े। ये किसी भी पाकिस्तानी जोड़ी की तरफ से भारत के खिलाफ बनाई गई पहली शतकीय पार्टनरशिप थी।
बाबर और फखर ने मिलकर आमिर सोहेल और जावेद मियांदाद का रिकॉर्ड तोड़ते हुए भारत के खिलाफ सबसे सफल जोड़ी का रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले साल 1992 में वर्ल्ड कप में सिडनी ग्राउंड में तीसरे विकेट के लिए आमिर सोहेल और जावेद मियांदाद ने 88 रन जोड़े थे और इन्हीं रिकॉर्ड्स के साथ भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ शानदार जीत हासिल की। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने 336 रनों का शानदार स्कोर खड़ा किया। हालांकि बारिश के बीच में थोड़ी देर के लिए खलल डालने पर मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम से हुआ और भारत ने पाकिस्तान को 89 रनों से मात दी।